अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा दिल से सलाम। आज हम बकरीद स्पेशल बनाएंगे क्योंकि बकरीद नज़दीक आने वाली है, तो मैं आपको मटन की कुछ रेसिपी बताऊंगी क्योंकि मटन में हमारे यहाँ बहुत से किस्म के बकरीद में अलग अलग किस्म का गोश्त आता है। तो आज मैं आपको मटन अफगानी बताऊँगी। तो ये मैंने 300 ग्राम के इतना गोश्त ले लिया है, एकदम साफ तरीके से मैंने इसे धो लिया है। यह मैंने 3 बड़ी अदद की प्याज ली थी, इसे मैंने बारीक बारीक पतली काट ली। इसे मैं सबसे पहले बिरिस्ता करूँगी। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तब हम इसमें कांदा डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा एक चुटके जितना नमक डालूँगी मैं, कांदा हमारा जल्दी से फ्राई हो जाए। अभी हमें बिरिस्ता करना है इसका। प्याज हमारी बिरिस्ता हो गई है, इसे हम ठंडी होने रख देंगे। अभी हम गोश्त भून लेंगे। तो मैंने एक जगह कुकर रखी हूँ, ये 4 से 5 चम्मच तेल के डालूंगी मैं। ये बिरिस्ता वाला ही तेल है, वही यूज़ कर रही हूँ मैं। तेल हमारा अच्छी तरह से वो गर्म हो चुका है, तो ये मैं मटन छोड़ूंगी इसमें। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच पिसा हुआ पपैया का पेस्ट है, नहीं है तो आप मत डालिए, और 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट है। अभी हमें गोश्त को 80% पकाना है और 20% हम अपने मसाले में भुनेंगे। मैं 1 टीस्पून नमक डालूंगी, ठीक है। अभी हमारा नमक और डलेगा इसमें, मैं थोड़ा ही नमक डालूंगी, इसे अच्छे से भूनूंगी और कुकर की सीटी लगा दूंगी, और 80% हम इसे भूनेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, 80% हमारा गोश्त भुन चुका है। अब हमने जिसमें पिस्ता बनाई थी उसी में हम अपना गोश्त सारा निकाल देंगे। हमने सारा गोश्त एक टोप में ट्रांसफ़र कर लिया। अब गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी हूँ। ये 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ली हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ली हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ली हूँ, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ली हूँ, नमक मैंने अपने हिसाब से ली हूँ, और यह हरी सूखी मिर्ची को मैंने दरदरा कूट लिया था, वो सारा हम इसमें ऐड करेंगे। यह मैंने 3 बड़े टमाटर ली थी, उसकी मैंने प्यूरी बना दी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मसालों को हम अच्छी तरह से भुनेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून दही ली थी, वो भी हम इसमें मिला लेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। ये हमने जो बिरिस्ता की है इसे मैंने हाथों से चूर ली हूँ, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से हमारा गोश्त भुनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से 2 मिनट तक ढककर रखेंगे, और मसाला हमारे अच्छी तरह से भुन जाएगा। सब मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से और गल गया है। ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली थी धोकर, इसे मैं इसी में डाल दूँगी। अगर आपको कितनी ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से आप पानी डालिए। रोटी के साथ, चावल के साथ हम इसे आसानी से खा सकते हैं। और ये कटा हुआ कोथमीर, अब इसे हम प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए हमारी मटन अफगानी रेडी हो चुकी है। वैसे तो चैनल पर बहुत सी रेसिपी है, लेकिन आप भी एक बार ज़रूर बकरीद आने से पहले रेसिपी बता दीजिए, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर डालेंगे। तो मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए,
और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ, जब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।